अगर आप लोग फ्री फायर में M500 से हेडशॉट लगाना सीख जाते हैं तो आप लोग क्लैश स्क्वाड का पहला राउंड बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए पहला राउंड को क्लियर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि M500 से वन टैप हेडशॉट किस तरीके से लगा सकते हो। आपकी स्क्रीन पर M500 से हेडशॉट लगाने की कुछ टिप दिख रही है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में, जो कि ऑलवेज यूज M500 गन। जैसे ही आप लोग CS रैंक के पहले राउंड में जाएं तो आपको हमेशा ही M500 को ही चॉइस करना है। M500 को चॉइस करने से पहले आपको एक बात का और ध्यान देना है, अगर आप लोग अभी भी वन टैप लगाना सीख रहे हैं तो आपको कभी भी क्लैश स्क्वाड की रैंक गेम को शुरू नहीं करना है। क्लैश स्क्वाड का जो नॉर्मल वाला गेम आता है ना, उसको आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आती है टिप नंबर 2, जो कि एनालाइज योर एनिमी। जब भी आप लोग क्लैश स्क्वाड का गेम खेलते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि एनिमी आपके सामने किस कंडीशन में आ सकता है। तो देखिए, आपको हमेशा ही M500 से हेडशॉट लगाते समय दो बातों का ध्यान रखना है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। सबसे पहला, एनिमी जब स्टेबल की पोजीशन में होता है तब आपको वन टैप कनेक्ट करना है। सबसे पहली कंडीशन आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, प्रैक्टिकल के साथ एनिमी स्टेबल की पोजीशन में था, मैंने हेडशॉट कनेक्ट किया और हेड कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आती है कंडीशन नंबर 2, जो कि है जब एनिमी आपके साइड भागता हुआ आ रहा है या फिर आपके ऊपर अटैक कर रहा है। बैकग्राउंड में देखिए, जैसे ही एनिमी मेरे साथ भागता हुआ आ रहा था, मैंने सीधा स्ट्रेट ड्रैग किया और वन टैप कनेक्ट हो गया है। अब आप लोग बोलोगे कि आपसे तो वन टैप बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग गेम के अंदर वन टैप कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी गोली है वो एनिमी के हेड के साइड से निकल जाती है। तो इसके लिए आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को सही करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी सेटिंग बताने से पहले हम आपको बता दें कि गरेना ने हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है, जिसकी वजह से हमारे चैनल की रीच बहुत ज्यादा कम हो गई है और हम लोग नई ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आप लोगों के वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेंसिटिविटी सेटिंग किस तरीके से सेट करनी है। सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, इसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हो। आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग में जाना है, उसके बाद जो जनरल वाली सेटिंग है ना, उसको 97 पर सेट कर देना है, क्योंकि OV40 अपडेट के बाद अगर आप इसको 100 रखते हो तो आपका जो एम है वो एनिमी के हेड के साइड से निकल रहा है। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है, तो आप 97 रख करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आता है रेड डॉट। रेड डॉट को आपको 100 पर सेट कर देना है। उसके बाद आता है 2x और 4x। 2x एंड 4x को भी आप लोगों को 100 पर सेट कर देना है। इसके बाद जो अगली सेटिंग आती है वो आती है स्नाइपर स्कोप वाली। स्नाइपर स्कोप वाली सेटिंग M500 में वर्क नहीं करती है, तो इसको आप लोगों को 0 कर देना है। उसके बाद आता है फ्री लुक की सेटिंग। तो फ्री लुक की सेटिंग भी M500 में वर्क नहीं करती है, तो इसको भी आप लोगों को 0 कर देना है। सेंसिटिविटी सेटिंग सेट करने के बाद M500 की ट्रिक भी मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूं। तो बैकग्राउंड में देखिए, आप लोगों को हमेशा ही M500 से केवल दो सिचुएशन में ही हेडशॉट कनेक्ट करने हैं। पहला, शॉर्ट रेंज में जब एनिमी आ जाए, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। दूसरा, मिड रेंज में जब एनिमी आए तब आप लोगों को हेडशॉट कनेक्ट करने हैं। कभी भी लॉन्ग रेंज में आपको M500 से हेड कनेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि जब एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तो जो M500 का डैमेज है वो एनिमी के ऊपर पूरा नहीं पड़ता है और एनिमी डाउन नहीं होगा, और हो सकता है कि लॉन्ग रेंज में आपकी जो गोली है वो एनिमी के हेड के साइड से भी निकल जाए। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में ही आपको M500 से हेडशॉट कनेक्ट करनी है। अब देखिए, शॉर्ट रेंज में ये वाली ट्रिक किस तरीके से वर्क करती है। तो जैसे ही एनिमी मेरे शॉर्ट रेंज में था, मैंने अपने एम को एनिमी के हेड के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, आप लोग प्रैक्टिकल देखिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल रोटेशन ड्रैग किया और हेड कनेक्ट हो गया है। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रेनिंग राउंड में, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। के बाद आता है मिड रेंज वाली ट्रिक। अगर एनिमी मिड रेंज में होता है तो आप लोग बैकग्राउंड में देखिए, एनिमी अगर इतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर मैं आपको ट्रेनिंग राउंड में प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, तो आप लोगों को नॉर्मली अपने एम को एनिमी की गर्दन पर रखना है और रेड कलर का रखना है और थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, वन टैप कनेक्ट हो जाएगा। इन दो टिप को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आप लोगों के हेडशॉट इंक्रीज हो जाएंगे। हमने सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है OV40 अपडेट के बाद, तो उस वीडियो को देखने के लिए यहां पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।